आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला सबने सर बताई, जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सारिपुत्र बुद्ध विहार जो आता है इंदौरा चौक और मॉडल टाउन नागपुर महाराष्ट्र में, और इस वक्त मैं इसी विहार में मौजूद हूँ। तो आइए शुरू करते देर न करते हुए आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। पूज्य माता जी इस वक्त विहार में मौजूद है, तो हम उन्हीं से याचना करेंगे और वे हमें त्रिशरण पंचशील देंगे जिसे हम आपके साथ मिलकर ग्रहण करेंगे। तो बताने की ज़रूरत नहीं कि आप भी हमारे साथ पहले याचना करें और हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा, और वक्त है सबके साथ मिलकर ये जानने का कि विहार की स्थापना कैसे हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। जय भीम, माझे नाव रामकृष्ण भगवान पाटील। इथे जवळजवळ 1976-77 मध्ये ह्या विहार ते मागचे जे विहार आहे विहारासाठी भूमिपूजन झालं, त्याच्यानंतर त्यावेळेला सिमेंट वगैरे अशा वस्तू काही मिळत नव्हत्या, त्यावेळेस सागोल सिमेंट असं इकडून तिकडून गोळा करून आणि महिला मंडळच्या सहभागामुळे हे विहार झालं। माझं नाव रामदास दशरथ पाटील। या विहारामध्ये रोज सकाळ संध्याकाळ माताजीच्या तर्फे वंदना होते, इथं उपासक उपासिका या ठिकाणी जमा होतात आणि वर्षवाससुद्धा या विहारामध्ये केला जातो, सगळ्या जयंत्या या ठिकाणी साजऱ्या केल्या जातात। जय भीम, मी रमेश घरडे। या विहार 1975 निर्माण झालेला आहे, त्यानंतर
बऱ्याचशा गोष्टी करता आलं असतं, परंतु वर्तमान परिस्थितीमध्ये या विहाराची सुशोभितकरण, अध्यावत अध्ययन कक्ष आणि समोरचा परिसर, धम्माचा प्रचार कार्य कसा होईल याविषयी आमचे कामं सुरू आहेत आणि लवकरच ते पूर्ण केले जातील. दर्शको, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का, तो कहीं जाइए मत, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है. तो जल्दी जाए और जल्दी आए, देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी और बने रहे अपना बिहार अपनी आवाज़ के साथ. 1935 आपका जवाब गलत है साहब, गलत है, गलत है. दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में, और वक्त है सबके साथ मिलकर एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का. तो आइए सुनते हैं आज की ये वाली प्यारी सी बोध कथा. दर्शकों, एक जगह पर एक बड़ा सा हॉल था जहां पर हजारों लोग आए हुए थे. तो वहां के आयोजक ने यह किया कि सभी को बाहर बुलाया और उसमें ढेर सारे बलून्स, जिसमें गुब्बारों में हवा भरी हुई थी, ऐसे गुब्बारे उस वहां पर सबके नाम लिखकर ऊपर छोड़ दिए और सबसे कहा कि अब आप सभी को अपने अपने नाम का गुब्बारा 5 मिनट में ढूंढकर निकालना है. सभी लोग हॉल के अंदर प्रवेश किया और सभी लोगों ने जब प्रवेश किया तो सभी अपने नाम का बलून खोजने में समय गंवाने लगे और किसी को अपने नाम का बलून मिल ही नहीं रहा था. और इस तरह वो समय भी खत्म हुआ. जब सब लोग बाहर आए तो बस कुछ ही लोगों के हाथ बलून्स थे और बाकी सबके हाथ खाली थे. आयोजक ने फिर से उनसे एक बार कहा कि अब आप एक बार फिर से इस हॉल में जाएं, लेकिन इस बार अपने नाम का बलून न ढूंढते हुए जो भी बलून्स आपके हाथ में आता है उस पे जिसका नाम लिखा है उसका नाम पुकारें और देखें क्या होता है. कुछ देर बाद जब लोग सब बाहर आए तो सभी के हाथों में बलून था. हुआ ये था कि इस बार हर कोई अपना बलून नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि जो बलून हाथ में आया उसका नाम पढ़कर उसे पास बुलाकर वो बलून सौंप रहा था. इस तरह 5 से 10 मिनट में ही सभी को अपने अपने बलून मिल गए. दर्शकों, इस कथा से हमें भी ये सीख मिलती है कि हम जिंदगी में हमेशा खुशियों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन खुशियाँ जो है वो आगे दौड़ती रहती हैं और हमें खुशियाँ नहीं मिलती, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं. अगर हम औरों को खुशियाँ दें तो उसके बाद जो हमें खुशी मिलेगी वो वही खुशी होगी जिसे हम ढूंढ रहे हैं. जब लोगों ने खुद के लिए बलून ढूंढने चाहे तो नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने वही बलून दूसरों के लिए ढूंढे और उन तक पहुँचाए तो उन्हें भी अपने नाम का बलून बड़ी ही आसानी से मिल गया. इसी तरह अगर आप भी औरों को खुशियाँ बांटेंगे तो आपको भी खुशियाँ निश्चित तौर पर मिलेगी. तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा. उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी. और अगर आपके पास भी है इस तरह की कोई प्यारी बोध कथा, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करें, अभी मोबाइल उठाएं और व्हाट्सएप के जरिए अच्छी बोध कथा हमें ज़रूर भेजें. लेकिन जब भेजें तो अपना नाम, पता, सब कुछ मेंशन कर हम तक पहुँचाएँ. दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का. आप देख सकते हैं सारे उपासक उस साइड से, उपासिका इस साइड से, और सारे के सारे मौजूद हैं मेरे साथ इस वक्त उसी सवाल जवाब के लिए. जितना उत्सुक आप है उतना ही उत्सुक ये भी है. तो आइए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब. आप सब तैयार है? आवाज से तो नहीं लग रहा. आप सब तैयार है? हाँ. ये सवाल जवाब से लोग डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे जैसे एग्जाम के लिए कैसे करते हैं, आप क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे. खैर कोई बात नहीं, तो बहुत आसान आसान सवाल है. मेरा पहला सवाल ये है, पंचशील से ही संबंधित है. मूसावादा वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामी, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ, इसको पता है सिर्फ हाथ ऊपर करें. काफी हाथ ऊपर हो गए हैं. और किससे पूछे हम, आ जाए साहब आप. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. प्रमोद जनबंधु जी, बताएं साहब. मूसावादा वेरमणि का अर्थ होता है कि मैं झूठ बोलने से विरक्त तो होता हूँ. अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण कर. अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण. दर्शकों, इस सवाल के जवाब के लिए 5 या 6 हाथ बड़ी मुश्किल से
ऊंचे उठे थे, इनका भी एक हाथ था। मैंने इनको वहाँ से बुलाया और सोचा कि ये मुझे सही जवाब देंगे, और इन्होंने जो जवाब दिया है गलत नहीं दिया है, सही दिया है। जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आप जा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, मेरी आदत है सर, मैं ऐसे ही डराता हूँ सबको। और पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया है, दूसरे सवाल को भी हम पंचशील से ही जोड़ लेते, अभी कुछ दिन पहले भी जोड़े थे। अदिन्न दाना वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामी, इसका मतलब बताएं, कौन बता सकता है? एक ही हाथ ऊपर हुआ है, आ जाए आप। जय भीम। जय भीम, आपका परिचय दें। सरला सुखदेवे जी, बताया ताई। मी चोरी करण्यापासून अलिप्त राहण्याची शिक्षा ग्रहण करते। इनका इन्होंने जो मराठी में कहा, मैं उसका हिंदी अनुवाद कर दूं कि मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ऐसा इनका कहना है। और आपका जो जवाब है वो मैं आपको बता दूं कि आप आ तो गए और आपने जवाब भी दिया, और आपने सही जवाब दिया। अरे सही जवाब दिया है, जोरदार ताली। दो सवाल दो जवाब, वो भी सही, अच्छी बात है, बढ़िया बात है कि हमें सवालों के सही जवाब मिल रहे हैं। मेरा एक अगला सवाल ये है, बाबा साहब ने एक घोषणा की थी, मैंने हिंदू कहकर जन्म अवश्य लिया है लेकिन मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा, ये घोषणा उन्होंने कौन से वर्ष में की थी? किसको पता है, सिर्फ हाथ ऊपर करें। अब थोड़ा डिफिकल्ट, आ जाए साहब, आप बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं। जय भीम साहब। जय भीम, बताएं साहब आपका जवाब। 1935। पहले आपका परिचय दे साहब। संजय जनबंधु जी साहब, आप बताएं। 1935। आपका जवाब गलत है साहब, गलत है, गलत है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बल्कि सही है, सही है, सही है, बहुत सही है, जोरदार ताली। तीनों सवालों के जवाब मिल गए, ये कमाल हो गया है। और दिल कर रहा है कि एक सवाल और कर ही लूं, एक सवाल और कर लेते हैं। बाबा साहब को, जैसे बाबा साहब तो हमारे विश्व रत्न है, लेकिन इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में प्रदान किया गया, वो किसको पता है, सिर्फ हाथ ऊपर करें। और कोई हाथ ऊपर नहीं है तो आप ही आ जाए साहब। सर आपका अपना जी सर। 1990। 1990, पहले आपने 1935 बताया, वो सही था क्योंकि उस टाइम मैं घोषणा की थी, लेकिन अब आपने जो 1990 बताया भारत रत्न पुरस्कार के लिए, मैं आपको बता दूं कि ये भी जवाब आपका सही है, जोरदार ताली। ये हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार 1990 में दिया गया था, मराठी में कह दूं 1990 मध्ये, ठीक है। तो दर्शकों मेरे सवाल जवाब मैं यहीं समाप्त करता हूं। दर्शकों मेरे साथ में तीन सितारे इस वक्त मौजूद है, इस विहार में इस वक्त बच्चे कम हैं, लेकिन हमारा रूल है अगर दो भी बच्चे रहे तो हम ये गेम जरूर खेलेंगे, क्योंकि ये गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है। तो ये गेम, गेम का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, गेम का नाम क्या है? नागपुर कानपुर। जोर से बोलिए, नागपुर कानपुर। हाँ, नागपुर कानपुर। ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, इन्हें खड़े रहना है ऐसे, एक हाथ से नाक एक हाथ से कान पकड़ना है, फिर छोड़ देना है, और फिर इधर से पकड़ना है, और यही चीज इंस्टेंटली इनको कर कर दिखानी है, यानी नागपुर कानपुर कानपुर नागपुर करते रहना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे ये बच्चे, हमारे ये तीन सितारे क्या करते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। बार बार बच्चे लोग नागपुर कानपुर का रास्ता भूल जाते हैं, बस यूं यूं करते हैं। तो दर्शकों हम इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, चलिए। दर्शकों अपना विहार अपनी आवाज में, वक्त हो गया है फिर से एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जी हाँ, जिंदगी उसी को कहते हैं जो औरों के लिए जी जाए, जैसे बाबा साहब ने हम सबके लिए जिए और पूरा जीवन हम पर न्यौछावर कर दिया, उसी तरह अगर आपको जीना है तो समाज के लिए जिए, धम्म के लिए जिए, बस यही हम कहना चाहते हैं। बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ, और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़।
दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो आइए, देर नहीं करते, आओ मिलकर गाएं। दर्शकों, वक्त हो गया है उसी गेम का, जिस गेम का हर रात आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, जिस गेम से आप सारा करते, बहुत सारा, ढेर सारा करते हैं प्यार, और जो गेम सबको लगता है अपना, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हो सपना, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ दर्शकों, भीम का दीवाना। दर्शकों, इसके पहले कि हम गेम शुरू करें, इस गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, कोई भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। उन्हें उस पार्ट को दोनों हाथों से छूकर दिखाना है। जो मेरे कहते से ही कर दिखाएगा वो हमारा विनर कहलाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि कौन कहलाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमेशा की तरह एक ट्रायल जरूर ले लेते हैं। कान को हाथ लगाइए, नीचे ले लीजिए, इतने धीरे करोगे तो कैसे होगा। ओके दर्शकों, मैंने सबसे कहा कान को हाथ लगाइए और सबने लगा दिया, इसका मतलब सब लोग मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या सभी इस तरह सामान्य रह पाते हैं या नहीं। और आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़ी पैर, सबको पैर बोला, सबने हाथ पकड़े। दर्शकों, ये तो होना ही था और हो गया। इनसे मैंने कहा भाई पकड़िए पैर, और सबने बाकायदा ऐसे करके हाथ पकड़ लिया। इन्होंने पहले किया, फिर बाद में नीचे झुक गए। पैर क्लियर सुनाई दिया था ना, फिर ये ऐसा पैर इधर है। तो दर्शकों, मैं कहता ही हूं आपको कि बाबा साहब है ही ऐसे, जो भी उनका नाम दिल से लेता है ना वो उन्हीं का हो जाता है और उन्हीं में खो जाता है, जैसा इनके साथ हुआ और हर एक उस व्यक्ति के साथ हुआ जो ये गेम खेलता है। क्योंकि ये है हमारे बाबा साहब का जादू और ये चलता ही रहेगा। और मैं कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा कि हाँ हाँ हाँ, मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को एक विज्ञापन के जरिए सहयोग दिया है और इसे जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी निभाया है। आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिका है जिन्होंने आवाज इंडिया टीवी को एक विज्ञापन के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। आवाज इंडिया टीवी को एड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी पारी। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझा कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी ला एक जाहिरात देना आपलं सर्वांचं कर्तव्य आहे, आपण सर्वांनी दिली पाहिजे। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया चॅनल को ऐड देकर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आपकी बारी है।
आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। दर्शको, वक्त हो गया है सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार विहार में जाना ही चाहिए, लेकिन आज इस आदेश का पालन पूरी तरह से होता दिखाई नहीं देता है। इस आदेश का पालन नहीं होता है, ये कर्तव्य हमारा है, हम इसे पूरा नहीं करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक शपथ लें कि इस कर्तव्य की पूर्ति भी करेंगे और इस आदेश का पालन भी करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं विक्रम आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप हमारे साथ मिलकर जरूर करेंगे, साथ ही साथ इसके लिए औरों को प्रेरित और जागृत अवश्य करेंगे। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ऐसा था ये सारिपुत्र बुद्ध विहार जो आता है इंदौरा चौक मॉडल टाउन नागपुर महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी है कोई इस तरह का प्यारा सा विहार तो बिल्कुल देर ना करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हम तक आपकी विहार की संपूर्ण जानकारी भेजें, हम प्रयास करेंगे आपके विहार को दुनिया तक पहुँचाने का। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते दो चीज़ें आपको याद दिला दूँ। पहली कि अगर आपके पास अच्छी बोधकथा, अच्छे सुविचार, अच्छे सुझाव है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, और अगर आप कोई विहार देखना चाहते हैं जो आप देख नहीं पाए तो निराश ना हो, YouTube पर टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज़ और जो विहार आप देखना चाहते हैं उस विहार का नाम। तो बस अब दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन श्रेयस जी के साथ फिर मिलेंगे नए विहार नई जगह, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।
बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।